केंद्रीय मंत्री और यूपी मंत्री पर मामला दर्ज कराने कराहल कांग्रेस ने थाने पर किया प्रदर्शन। त्रिपाठी बोले, ऐसे भाजपा नेताओं की सोच पर धिक्कार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध बीजेपी की केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह और यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने पिछले दिनों राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी कर उनको देश में आतंकवादी बताकर इनाम घोषित करने का बयान दे डाला, जिस पर अब भूचाल मच गया है। कांग्रेस के आह्वान पर देश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर थाने में पहुंचकर भाजपा के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। इसी क्रम में कराहल में भी कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक त्रिपाठी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कराहल थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आवेदन सौंपा और जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। दीपक त्रिपाठी ने कहा कि जिन राहुल गांधी के दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी देश में आतंकवादी घटनाओं का शिकार होकर शहीद हुए, उनको आज आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने की भाजपा नेताओं की सोच बेहद निंदनीय है। ऐसे नेताओं पर हम FIR दर्ज कराकर ही मानेंगे। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।